मध्य प्रदेश के बैतूल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां दलित युवक से शादी करने पर लड़की के परिवार वालों ने उसका नर्मदा नदी में स्नान कराकर शुद्धिकरण कराया। अब ऑनर किलिंग के डर से जोड़े ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की है। दरअसल मामला जिले के चौपाना थाना क्षेत्र का है। यहां एक लड़की ने पुलिस से पिता सहित पूरे परिवार वालों से बचाने की गुहार लगाई है। 24 साल की पीड़िता ने बताया कि बैतूल के टिकारी इलाके में रहने वाले 27 साल के दलित युवक से उसे प्यार हो गया था, जिसके बाद 11 मार्च 2020 को युवक और उसने आर्य समाज तरीके से लव मैरिज कर ली थी, लेकिन शादी के बाद परिवार ने पुलिस की मदद से उसे ससुराल से वापस बुला लिया। इसके बाद उसे राजगढ़ में पढ़ने के लिए भेज दिया। अभी वह हॉस्टल में ही रह रही है। 28 अक्टूबर को वह हॉस्टल से भागकर पति के पास बैतूल पहुंच गई। युवती ने आरोप लगाया कि पिता ने 18 अगस्त को उसे नर्मदा नदी पर ले जाकर चार लोगों के सामने अर्धनग्न कर शुद्धिकरण करवाया, नदी में डुबकी लगवाई और उसे झूठी पूड़ी खिलाई गई और उसके बाल भी काटे गए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसने दलित युवक से शादी की थी, इसलिए ही उसका शुद्धिकरण कराया गया। अब उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपने पति को तलाक देकर किसी सजातीय युवक से शादी कर ले। युवती ने इस मामले में पुलिस पर भी उसके पिता से मिले होने का आरोप लगाया है, जबकि उसके पति ने उसकी ऑनर किलिंग करवाए जाने की भी आशंका जताई है। लड़की ने बताया कि शादी के बाद से ही मायके पक्ष उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर महिला सेल की प्रभारी DSC पल्लवी गौर ने बताया कि युवती अभी उनसे नहीं मिल सकी है, मामले को दिखवाया जा रहा है। आरोप साबित होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।